में हुए विरोध प्रदर्शन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। इसे शेयर करते हुए यूजर्स दावा कर रहे हैं कि केरल के अलेप्पी में मुसलमान नए ब्राह्मण जिला कलेक्टर की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। राइट विंग हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी इंदु मक्कल काची ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि अलेप्पी में मुसलमानों ने नए ब्राह्मण आईएएस कलेक्टर का विरोध किया। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर वीकली ने भी ये वीडियो इसी दावे के साथ पोस्ट किया। वहीं और भी कई राइट विंग अकाउंट्स ने ये वीडियो शेयर करते हुए ऐसा ही दावा किया। तो क्या वाकई में मुसलमानों ने सिर्फ जिला कलेक्टर के ब्राह्मण होने के कारण उनका विरोध किया? वीडियो के बारे में छानबीन करते हुए हमने वायरल पोस्ट पर किए गए रिप्लाई देखे। इनमें से कुछ लोगों ने यह वीडियो मल्लपुरम का बताया है। कमेंट्स में लिखा है कि ये प्रदर्शन अलापुजा जिला कलेक्टर के रूप में आईएएस अधिकारी श्री राम वेंकट रमन की नियुक्ति के खिलाफ किया गया था, क्योंकि उन पर कथित रूप से नशे में ड्राइविंग करने का आरोप था, जिसकी वजह से एक पत्रकार की मौत हो गई थी। द हिंदू के आर्टिकल के मुताबिक श्री राम वेंकट रमन को शराब पीकर लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में जून 2020 में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना में पत्रकार के एम बशीर की मौत हो गई थी। अधिकारी पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। अब बात करते हैं वीडियो की। वायरल क्लिप में ब्यूटी स्पॉट नामक दुकान का पोस्टर दिखता है, जिसके एड्रेस में अप हिल मल्लपुरम लिखा है। वीडियो में पॉली डेंटल क्लिनिक और सिंधु स्टूडियो के साइन बोर्ड भी दिखते हैं। ये सारी जगह मल्लपुरम में है। इस आधार पर हमने पीएम मुस्तफा से बात की, जो केरल मुस्लिम जमात के मल्लपुरम जिला समिति के महासचिव थे। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर के खिलाफ इसलिए विरोध प्रदर्शन किया गया था क्योंकि उन पर आरोप है कि 2 साल पहले वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे और उसकी वजह से एक पत्रकार की मौत हो गई थी। इस विरोध के बारे में कई मीडिया संगठनों ने खबर भी पब्लिश की थी। द हिंदू ने रिपोर्ट किया कि 2 साल पहले श्री राम वेंकट रमन नशे में गाड़ी चला रहे थे और इस कारण एक पत्रकार के एम बशीर की मौत हो गई थी। इन आरोपों के कारण प्रदर्शनकारियों ने मांग की थी कि इस नियुक्ति को रद्द किया जाए। इन विरोधों के बाद राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी श्री राम वेंकट रमन को जिला कलेक्टर अलापुजा के पद से हटा दिया था। कांग्रेस और केरला के पत्रकार संगठनों ने भी इस नियुक्ति का विरोध किया था। यहाँ इतना तो साफ हो जाता है कि ये प्रदर्शन ब्राह्मण जिला कलेक्टर की नियुक्ति को लेकर नहीं, बल्कि उन पर एक पत्रकार की मौत के आरोप के कारण किया गया था। फिलहाल जिला कलेक्टर के पद के लिए वीआरके तेजा माइला वरापू को नामांकित किया गया है, जो कि एक हिंदू है, लेकिन उन्हें किसी भी विरोध प्रदर्शन का सामना नहीं करना पड़ा। यानी विरोध प्रदर्शन के वीडियो को जानबूझकर सांप्रदायिक एंगल के साथ शेयर किया गया है।